नमस्कार, मैं हूं नवजोतकर और आप देख रहे हैं के न्यूज। के न्यूज में आपका स्वागत है। एक के न्यूज में एक नजर डालते हैं पहले आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। शिवालयों में उमड़ा भक्तों का तांता, लोगों में भगवान के प्रति दिखी खूब आस्था, घंटों खड़े रहे बाबा के दर्शनों के लिए श्रद्धालु। पुलिस विभाग द्वारा किया गया खीर के भंडारे का आयोजन, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह, बड़े श्रद्धा भाव से किया ग्रहण। सड़क पर बिजली तार गिरने से लोगों में दहशत, लोगों में विभाग के प्रति दिखा रोष, कहा बार बार कहने पर नहीं लेते हैं सुध, कभी भी हो सकता है हादसा। और कृषि उपज मंडी समिति के चेयरमैन बने हरिंदर सेन, सर्वसहमति से चुना लोगों ने। मंडी बाईपास में उस वक्त लोग दहशत के साए में आ गए जब अचानक एक बिजली का खंभा टूट गया और बिजली की तारें सड़क पर आकर गिर गई। वहीं सड़क पर तारें टूटने से लोग करंट लगने की चिंता में भी थे। लोगों ने बताया कि पूरे शहर में बिजली की तारों का जंजाल है, कहीं पर लोगों के घरों के ऊपर से तो कहीं पर लोगों के घरों के सामने से गुजर रही हैं ये तारें, जिसकी वजह से कभी भी कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। जरा गौर से देखें इन बिजली के खंभों को। यह खंभे पूरे शहर में इसी तरह से हैं। पूरे शहर में बिजली की तारों का जंजाल है, जिसकी वजह से लोग हर पल दहशत के साए में जीने को मजबूर है। बिजली की तारों का जंजाल लोगों के घरों पर से भी जा रहा है तो कहीं पर लोगों के घरों के सामने से, लेकिन विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। मंडीवासी सोमवार को उस वक्त ज्यादा डर गए जब मंडी बाईपास के पास अचानक बिजली का खंभा टूट गया और बिजली की तारें सड़क पर आ गिरी। वहीं सुबह का वक्त होने की वजह से ट्रैफिक की आवाजाही भी ज्यादा थी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। लोगों का मानना है कि विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह बिजली के जंजाल कभी भी अप्रिय घटना को न्योता दे सकते हैं। वहीं लोगों ने बिजली विभाग पर आरोप जड़े हैं कि इस ओर विभाग का रवैया उदासीन भरा है, क्योंकि वह बार बार बोलने पर भी नहीं सुनते। कि ये जो पोल हमारे मोहल्ले में लगे हुए हैं, ये जो कभी भी हादसे का रूप आ सकता है इनको, तो इसका विभाग से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि पोलों को थोड़ा सा सेटलमेंट से इनको अंडरग्राउंड या जैसे मर्जी करो, कि जिससे जन जीवन को कोई नुकसान ना हो। तो बार बार हम यही पहले भी बोला है और बार बार बोलेंगे, थोड़ा विभाग को इसके बारे में देखना चाहिए। इस विभाग को बार बार बोल रहे हैं, तो इसको आओ देखो और इसके बारे में कुछ करो, कभी भी कोई हादसा हो सकता है, बच्चे भी आते हैं, सब कुछ आता है, तो थोड़ा प्लीज़ आओ और देखो। सोमवार को घटी इस घटना से जहां लोग दहशत के साए में हैं, वहीं मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष ने बताया कि बिजली विभाग को जल्द ही इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये पोल पुराने हैं तो विभाग इनको देख रेख क्यों नहीं करता? अगर पोल जो है सड़ गए हैं, गल गए हैं, क्योंकि लोहे के पोल हैं, नेचुरली है कि रस्टिंग होगी, जंग लगेगा, पोल गलेगा। और बड़ी बात है कि एक पोल के ऊपर इतना बोझ डाल दिया गया है, जहाँ तक हमारी ये जजमेंट है कि जो कई जगह केबल जो है वो पुराने पोलों के ऊपर डाल दी गई है और केबल के अंदर से करंट निकल रहा है, कभी ना कभी अगर हादसा हुआ तो केबल जो है वो फुलझड़ों की तरह यहाँ पर जो है झड़ जाएंगे और जान माल की काफ़ी नुकसान होगा। तो विभाग को चाहिए कि वो तुरंत सर्वे करे, जिसके तहत कहाँ जो केबल डली हैं वो केबल कैसे लगानी है, या जो पोल पुराने हो चुके हैं कैसे बदल रहे हैं। और कई जगह तो पोल अभी तक लकड़ी के हैं, हाइपर टेंशन वायर HT वायर जो हैं वो उन जो पोलों के ऊपर जो उनको जो रिटेंशन के लिए दिए गए हैं, जो लकड़ी लगाई गई है जिनसे कि तारें जो हैं ऊपर से आगे गुजर रही हैं, वो लकड़ी के हैं। तो लकड़ी तो ऐसी चीज़ें कभी ना कभी गलेगी। अगर लकड़ी गलती है तो जिसके ऊपर हाई वोल्टेज का तार गिरेगा, किसी बस के ऊपर गिर जाता है, किसी कार के ऊपर गिर जाता है, किसी मकान के ऊपर गिर जाता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि कितनी जान माल की नुकसान होगा। गौर रहे कि पूरे शहर में बिजली की तारें दिखाई देती हैं, बिजली के खंभे लोगों के घरों के साथ भी है, तो कहीं पर लोगों के घरों के सामने से बिजली की तारें गुजर रही है, तो कहीं पर बिजली के खंभे लकड़ी के बने हुए हैं, तो कहीं जंग लगते खंभे हैं, जिससे हमेशा ही लोगों को खतरा बना हुआ है। इसलिए के न्यूज की टीम भी विभाग से आह्वान करती है कि जल्द से जल्द इन बिजली की तारों और खंभों का कुछ किया जाए, ताकि कोई अप्रिय घटना शहर में ना घट सके। के न्यूज के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
मंडी एडीसी कार्यालय में सोमवार को कृषि उपज मंडी समिति के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस मौके पर लोगों ने हरिंदर सेन को कृषि उपज मंडी समिति का चेयरमैन सरफ समिति के साथ नियुक्त किया। वहीं नवनियुक्त चेयरमैन ने कहा कि वे कृषि संबंधी मांगों पर खड़ा उतरने और किसानों को उनका हक दिलाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। मंडी में सोमवार को कृषि उपज मंडी समिति के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें लोगों ने हरेंद्र सेन को कृषि उपज मंडी समिति का चेयरमैन नियुक्त किया। इस मौके पर नवनियुक्त चेयरमैन ने जहां वीरभद्र सिंह का धन्यवाद किया, वहीं उन्होंने लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि वह किसानों की मांगों को और कृषि के दामों को उचित मूल्य पर दिलवाने में पूरी कोशिश करेंगे और लोगों के विश्वास पर खरा उतरेंगे। और आज चुनाव हुए, मुझे जो गैर सरकारी सदस्य बनाए गए थे मार्केटिंग बोर्ड के, उसमें मुझे इसे सर्वसम्मति से चुना गया और मैं सबसे पहले जो है माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह का उसमें धन्यवाद करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से मार्केट बोर्ड का चेयरमैन बना। और उसके बाद मैं माननीय रानी प्रतिभा सिंह जी, जो हमारे मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं, और मुझे टिक्का विक्रमादित्य जी का भी आभार व्यक्त करना है, और हमारे जो एसटी हैं सीएम साहब के, उनका भी धन्यवाद अमित पाल जी का। और उसके बाद मैं जितने भी हमारे मंडी से मंत्रीगण हैं और विधायकगण हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं, सभी के आशीर्वाद से जो आज ये बना। और जो भी हमारी जो जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है, उस जिम्मेवारी को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, और जो भी किसानों बागवानों की जो समस्याएँ हैं उन्हें भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। जो किसानों की जो भी समस्याएँ हैं ना, उचित मूल्य दिलाना, उचित मूल्य दिलाना, वो हमारी कोशिश रहेगी जो उचित मूल्य है। इस मौके पर हरेंद्र सेन ने जहां मुख्यमंत्री और प्रतिभा सिंह का धन्यवाद किया, वहीं उन्होंने किसानों को भी विश्वास दिलाया कि वह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। ऐसे में उम्मीद यही की जा सकती है कि किसानों की मांगों को सेन सरकार तक जरूर पहुँचाएंगे। के न्यूज के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक और जहां कृषि उपज समिति के चुनाव सोमवार को संपन्न हुए, वहीं सुंदरनगर में भी प्राथमिक सहायक अध्यापक संघ के भी रविवार को चुनाव हुए, जिसमें मंडी जिला के 22 खंडों में से 14 ब्लॉक प्रधान और कई अधिकारियों ने शिरकत की। इस मौके पर सर्व समिति से कृष्ण ठाकुर को पैट जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं कृष्ण ठाकुर ने बताया कि वह संघ की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से आग्रह करेंगे, वह अपनी ओर से मांगों को मनवाने की कोशिश भी करेंगे। विभिन्न शिक्षा खंडों के 20 ब्लॉकों में से 14 ब्लॉकों के प्रधान, महासचिव, उपाध्यक्ष और पदाधिकारियों ने विभिन्न ब्लॉकों के भाग लिया। इसके अंतर्गत आम लोगों ने सर्वसम्मति से जिला मंडी प्राथमिक सहायक अध्यापक संघ पैट का मुझे अध्यक्ष घोषित किया। इसी के साथ साथ सर्वसम्मति से ही महासचिव पद पर श्री मुंशीराम जी धर्मपुर सेकंड से उन्हें महासचिव, और श्री विनोद कुमार जी सुंदर फर्स्ट से जिन्हें कोषाध्यक्ष, और श्री दिनेश शर्मा जो सराज फर्स्ट है उनको प्रदेश हिमाचल प्रदेश पैट संघ का उपाध्यक्ष, एवं नीरज कुमार जी को सराज चोट से वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। इसी के साथ साथ मैं तमाम उन ब्लॉकों कार्यकारिणी और शिक्षा खंडों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सरकार और संगठन के साथ बेहतर तालमेल के साथ पैट की समस्याओं को यथाशीघ्र पूरा करने की कोशिश करेंगे, और बेहतर तालमेल के साथ बहुत ही जल्द हम एक जिला की मीटिंग रखेंगे और इसी के साथ साथ सरकार पर पूरा दबाव बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी जो समस्याएँ उनका यथाशीघ्र निवारण किया जाए। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज़। उन्नीस से आपकी सेवा में रतन सिंह सराफ एंड संस, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सराफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अश्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अश्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन सिंह सराफ एंड संस, मोती बाजार मंडी हिमाचल प्रदेश।
आईसी राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारतीय सरकार के सहयोग से अपने कनेक्ट सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स फैशन डिजाइनिंग एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एवं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर आईटी टूल्स एंड एप्लीकेशंस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग स्पाइस ग्राइंडिंग एवं पैकेजिंग मोबाइल रिपेयर एमएस ऑफिस एंड इंटरनेट ये सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए है योग्यता 8वीं और 10वीं पास पहले आए निशुल्क शिक्षा पाएं अधिक जानकारी के लिए एनएसआईसी तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें सरकार ने 2005 में बड़े दावे किए थे कि वह सफाई कामगारों को 2 बिस्वा जमीन और वाल्मीकि समुदाय योजना के तहत मकान बनवा कर देगी लेकिन मकान बनाने तो दूर जो आशियाना उनके पास था वो भी उनसे छीन लिया गया ये बात मीडिया से रूबरू होते हुए सुखदेव विश्व प्रेमी ने कही उन्होंने कहा कि सरकार उन वादों को जल्द पूरा करेगी मंडी जिले में इन दिनों नगर परिषद द्वारा अवैध मकानों को तोड़ने का कार्य जारी है वहीं लोगों में नगर परिषद के खिलाफ रोष भी देखने को मिल रहा है उधर नगर परिषद का विरोध करते हुए सफाई कामगार वाल्मीकि समुदाय के लोग भी खासे परेशान हो गए हैं वहीं मंडी में नगर परिषद द्वारा तोड़े जा रहे अवैध मकानों को लेकर सुखदेव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सरकार ने जो वादे सफाई कामगार से जमीन और मकान देने का किया था उन वादों पर वह अभी तक खरा नहीं उतर पाए 2005 में वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने वादा किया था सफाई कामगारों से कि आपके लिए जो है 2 बिस्वा जमीन दी जाएगी और महर्षि वाल्मीकि आवास योजना के तहत जो है आवास बनाए जाएंगे परंतु 2005 से लेकर के आज 2013 हो गया और अभी तक ना वो आवास के लिए जमीन दी गई ना वो पैसा खर्च हुआ और अब इनको हाईकोर्ट के नोटिस के माध्यम से बेदखल किया जा रहा है तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि पहले इस विशेष जो समुदाय है विशेष जो सफाई कामगार समुदाय है इसको बसाया जाए पहले इनको ज़मीन दी जाए और इनके आवास के लिए जो पैसा आया हुआ है उस पैसे से इनके घरों का निर्माण किया जाए वार्ता के दौरान सुखदेव ने बताया कि अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र भी बनने चाहिए साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार जल्द ही सफाई कामगार को मकान दे वहीं उन्होंने सरकार से जल्द सफाई कामगार को मकान दिए जाने की वकालत भी की उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि सरकार जल्द ही नगर परिषद को रोकने का कार्य करे तो अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र इनका बनना चाहिए इनका जो है राजस्व रिकॉर्ड में जो है इनका नाम दर्ज होना चाहिए परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज होना चाहिए परंतु तुरंत जो है ये जो बेदखली की जो कार्रवाई यहाँ मंडी जिला में चल रही है सुंदरनगर में चल रही है इसको तुरंत प्रभाव से जो है रोका जाना चाहिए सरकार जो है हाईकोर्ट में जाए वो एफिडेविट दे कि एक विशेष समुदाय जिसको सफाई के काम के लिए हमने लाया था यहाँ 1950 के दशक में उसको हम बसाएंगे जो इन्होंने वादा किया है और अपने वादे को पूरा करें और इनको जो है पर्याप्त रूप से बसाया जाए गौर है कि इन दिनों नगर परिषद द्वारा अवैध मकानों को तोड़ा जा रहा है जिसकी वजह से लोगों में खासा रोष व्याप्त है वहीं नगर परिषद भी क्या करेगी क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश तो उन्हें मानना ही होगा के न्यूज के लिए कैमरामैन दीपक के साथ लोकेश की रिपोर्ट कुल्लू में भूमिहीन और आवासहीन कल्याण परिषद की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें कुल्लू जिला के भूमिहीन और आवासहीन लोगों ने भाग लिया बैठक की अध्यक्षता ओम प्रकाश शर्मा द्वारा की गई इस मौके पर चर्चा की गई कि जो जिला में भूमिहीन और आवासहीन हैं उनके दस्तावेज तैयार कर सरकार को दिए जाएंगे आपको बता दें कि जिस भी व्यक्ति का भूमि पर 30 वर्षों से अधिक का कब्जा है उसका इंतकाल करवाने के लिए सरकार से आग्रह किया जाएगा कुल्लू में भूमिहीन और आवासहीन कल्याण परिषद की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें कुल्लू जिला के लगभग 150 भूमिहीन एवं आवासहीन लोगों ने भाग लिया इस मौके पर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई इस मौके पर भूमिहीन एवं आवासहीन कल्याण परिषद के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि अगस्त में देश के सभी राज्यों के राजस्व मंत्री की बैठक दिल्ली में होने जा रही है जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाजायज कब्जों को जायज किया जाएगा जो कब्जे नाजायज है उस पर जिसके पास घर नहीं है उसको 95,000 रुपए दिए जाएंगे कुल्लू में जो जितने भी अनमैरिड लैंड है वो सारी तृतीय श्रेणी भूमि है उस भूमि को कैसे रेगुलर किया जाएगा उसके लिए हम सरकार से एक अध्यादेश चाहते हैं मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जल्द भविष्य में ही माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी
हम ये जो राजस्व मंत्री श्री कौल सिंह जी जितने भी संबंधित लोग हैं इनसे बैठक कर एक दिल्ली को पूरा मसौदा तैयार करेंगे और जितने भी हजारों हजारों लोग जो नजायज़ कब्जा वाले कुल्लू में हैं जिनके ऊपर की कोर्टों में न्यायालयों में केस चले हुए हैं हम चाहते हैं कि एक बीच का रास्ता ऐसा निकाला जाए जिससे कि इन सब को छत मिल जाए और इनको पैसे का प्रावधान भी किया जाए ताकि ये भी अपने मत के अनुसार जो मताधिकार का प्रयोग करते हैं और इस देश के एक बहुत बड़ा अंग है। वहीं स्थानीय निवासियों ने बताया कि जो 30 से 40 वर्षों से नाजायज कब्जे उनके पास है उनका इंतकाल होना चाहिए और राजस्व मंत्री उनकी इन समस्याओं को सरकार के समक्ष रखेंगे यह उन्हें उम्मीद है। जो हमारे कब्जे हैं 30-40 साल पुराने हमारे इनके इंतकाल होना चाहिए हमारा यही सरकार से आग्रह है और यही मीटिंग में भी हमारा जो फैसला हुआ और इसका जो हम जो ये भेज रहे हैं आगे राजस्व मंत्री के पास कि भी हमारे जो इंतकाल है ये पक्के होने चाहिए ताकि हमारे को फॉरेस्ट वगैरह कोई भी तंग ना करे। भारत सरकार ने जो भूमि आवास इन लोगों के लिए जो अभी अभी चलाया है कि उनको भूमि दी जाएगी आवास इनको और साथ में 95,000 रुपया वो दिया जाएगा मकान बनाने के लिए। इसका क्रियान्वयन अगर हो जाता है तो हम बड़े धन्यवादी होंगे प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार के। हमारा यही है कि जो भारत सरकार ने जो ये जो राजस्व मंत्री को जो आदेश दिए कि 30-40 साल से जो हमारे नाजायज कब्जे हैं लोगों के किए हुए हैं जिनको बिजली पानी मिला हुआ है कहीं को नहीं मिला हुआ अभी। हमारा निवेदन है कि अगर ये राजस्व मंत्री हमारी इस प्रॉब्लम को जो सेंटर में रखते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी। गौर है कि इन दिनों जगह जगह अवैध कब्जों पर नगर परिषद के तेवर तल्ख हो गए हैं ऐसे में लोगों ने उम्मीद जताई है कि सरकार उनकी मांगों पर गौर फरमाएगी। के न्यूज के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल फिर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। रामहरी फोर्स बोर्डर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रेवलर लग्जरी, ट्रेवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रेवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ट्रम 40, ट्रैक्स कार्बो किंग, ट्रेवलर शक्तिमान और ट्रेवलर डिलीवरी वैन। यहां व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है, साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुटकर, मंडी। द न्यू फोर्स फॉर अ न्यू इंडिया। जंजैहली में पिछले 7 दिनों से चल रहे एनएसएस शिविर का समापन हो गया है। शिविर के समापन अवसर पर विद्यार्थियों में जहां शिविर को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला, वहीं इस शिविर में उन्हें कई विभागों से आए अधिकारियों से महत्वपूर्ण टिप्स भी मिले। साथ ही विद्यार्थियों को समाज में फैली हुई कुरीतियों के बारे में भी अवगत करवाया गया। 7 दिवसीय एनएसएस शिविर के दौरान विद्यार्थियों ने स्कूल और आसपास के गाँव की सफाई की और समाज में फैल रही कुरीतियों जैसे बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, छोटी उम्र में नशे की लत इत्यादि विषयों को लेकर लोगों को जागरूक भी किया। छात्रों का मानना है कि शिविर में रहकर उन्होंने सीखा कि घर से दूर रहकर किस तरह सामूहिक रूप से सामाजिक कार्य में हाथ बटाया जा सकता है और निस्संदेह उन्हें इस कार्य को करने के बाद खुशी भी मिली।
उन्होंने प्रण करते हुए कहा कि स्कूल छोड़ने के बाद भी समाज सेवा के लिए वह हमेशा तत्पर रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हमने इस कैंप में बहुत एंजॉय किया है। यह कैंप हमारी जिंदगी में बहुत यादगार कैंप रहेगा। इस कैंप में हमने अपने घर से दूर रहना, कैसे अपने घर से दूर रहें और रहना सीखा था। उसके साथ ही हमने यहाँ पे बहुत सफाई सफाई की, समाज सेवा करना भी सीखा था, टीम में रहना सीखा कि किस तरह से टीम में वर्क किया जाता है। और कहते भी हैं कि यूनियन इज स्ट्रेंथ अर्थात एकता में बल है। और जितना कैंप हमने जितना इंजॉय हमने इस कैंप में किया शायद उतना कहीं और नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है ये इस कैंप में ने हमको बहुत कुछ दिया है और शायद ये कैंप हमारी लाइफ का एक बहुत एंटरटेनमेंट और इन्जॉयफुल रहा है। इस कैंप ने हम लोगों को बहुत अन्य जानकारियाँ दी और हमें समाज के प्रति, समाज सेवा के प्रति जागरूक करवाया कि कैसे हमें एक समाज में रहकर समाज की सेवा करनी चाहिए। उधर शिविर प्रभारी ने बताया कि ऐसे शिविरों से जहां बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वहीं समाज सेवा की भावना भी पैदा होती है। 7 दिन का चलता है कैंप और आज जो है लास्ट दिन है, समापन समारोह बना रहे हैं बच्चे। इसमें सांस्कृतिक गतिविधियाँ वगैरह भी करवाई हमने और स्कूल की साफ सफाई, ड्रेन्स को बनवाया 7 दिनों में। और फिर यहाँ पे बड़ा ग्राउंड है प्ले ग्राउंड, वहाँ पे भी कूड़ा कचरा उसको डिस्ट्रॉय किया जो बाजार का आता है बच्चों ने। और बहुत ही अच्छा रहा, इसमें बच्चों को जो है ये शिक्षा मिली कि हमें जो है इकट्ठा रहना चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए और सेवा भाव सेवा करनी चाहिए। गौर है कि जिस तरह के शिविर का आयोजन सराज घाटी में किया गया, ऐसे शिविरों का आयोजन समय समय पर होता रहना चाहिए। केवल बच्चों को एकजुटता बल्कि राष्ट्रीय सेवा के प्रति भी भावना पैदा होती है। के न्यूज के लिए जंजहली से KR कौशल की रिपोर्ट। श्रवण मास जारी है और ऐसे में भगवान शंकर को खुश करने के लिए लोग अपनी असीम आस्था भोलेनाथ के प्रति दर्शाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में खीर का लंगर विशेष महत्व रखता है और दूसरे सोमवार को पुलिस लाइन में भी पुलिस विभाग द्वारा खीर का आयोजन किया गया। वहीं श्रद्धालुओं द्वारा भी खीर को बड़े ही श्रद्धाभाव से ग्रहण किया गया। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को जहां छोटी काशी में लोगों ने खीर के लंगर का आयोजन किया, वहीं मंडी में पुलिस लाइन में पुलिस विभाग द्वारा भोलेनाथ के प्रिय मिष्ठान खीर का भंडारा लगाया, जिसे श्रद्धालुओं ने बड़े ही श्रद्धाभाव के साथ ग्रहण किया। वहीं पुलिस विभाग द्वारा आयोजित इस भंडारे के मौके DSP आशीष शर्मा ने जहाँ पूजा अर्चना की, वहीं उन्होंने बताया कि श्रावण मास का हिंदू धर्म में अहम महत्व है। श्रावण माह को हमारे समाज में पवित्र माह माना गया है और ऐसा मानते हैं कि इसमें इस माह में अधिक से अधिक दान पुण्य किया जाना चाहिए। तो समाज के अन्य वर्गों की तरह पुलिस विभाग ने भी आज पुलिस लाइन मंडी में खीर बनाकर आम जनता में बांटने का एक कार्यक्रम रखा है। इसमें हम अधिक से अधिक लोगों को खीर खिलाकर जो पुलिस के प्रति उनके मन में भय जैसी भावनाएं हैं उनको दूर करने का प्रयत्न करेंगे और आपसी सद्भाव बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। गौर है कि यह पूरा महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। इस महीने लोग भोलेनाथ को प्रसन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। कहा जाता है कि भोले शंकर जल्द ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। यही वजह है कि लोग भोले शंकर को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं ताकि उनकी सारी इच्छाएं जल्द ही पूरी हो। वहीं पुलिस विभाग द्वारा यह प्रयास वाकई सराहनीय है। ऐसे प्रयासों से पुलिस और आम जनता के बीच मनमुटाव शायद दूर हो जाएं। के न्यूज के लिए कैमरामैन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा, बने रहिए के न्यूज के साथ।